हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयज होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। उसे लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं, जो टेस्टी तो है ही, साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करती है। ये है आइवरी गॉर्ड, इसे आप कुंदरू भी बोलते हैं, और ये हम डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हफ्ते में एक बार तो ये सब्ज़ी अपने लंच में या डिनर में, जैसे भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए इसको हमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। ये जो हमारा ब्लड शुगर होता है, शुगर का लेवल होता है, उसे भी मेंटेन करके रखती है अगर हफ्ते में एक बार आप इसे ले लेंगे तो। इसे मैं अब कट कर लूँगी। ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। ये मुझे मेरे ही जो सब्ज़ी वाले भैया हैं उन्हें सजेस्ट की थी ये सब्ज़ी। वो बोले कि दीदी एक बार ये सब्ज़ी बना के देखिए, आपको सीरियसली बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की थी, तो मैं इस टाइप से इसे कट कर लूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सब्जी क्या होता है, अंदर से ना रेड हो जाती है, कई बार पकी हुई जो ये देखिए इसके बीज एकदम लाल है, इसे आप हटा दीजिएगा। जो अंदर से वाइट हो या हल्की फुल्की सी अगर बीज है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वाइट हो वही यूज़ कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ले लिया मस्टर्ड ऑयल, ये 2-3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल है। इसे मैंने अच्छे से हीट कर लिया और कढ़ाई को भी बहुत अच्छे से हीट कर लिया। इस ऑयल को पूरे में फैला लिया है क्योंकि हमें इसमें कुंदरू को फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। तो अगर हम पूरे चारों तरफ ऑयल को फैला लेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं और जलेंगे भी नहीं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ मैं इसमें ग्रीन चिलीज को भी शैलो फ्राई करूंगी। इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, क्योंकि जो कुंदरू होते हैं उन्हें कुक होने में टाइम लगता है। अगर इन्हें आप बाद में कुक करेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हल्का सा इन्हें ऑयल में सॉटे कर लेते हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगी, इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी कुक होने के लिए, और जब इस पर हल्का सा एक क्रंच आ जाएगा तब तक मैं इसे सिम गैस पर कुक करूंगी। आप चाहें तो हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए भी कर सकते हैं, बट टूटना नहीं चाहिए, वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी देर इसे कुक होने देते हैं। और इस सब्ज़ी को आपके जगह पे क्या बोला जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसे कुंदरू ही बोलते हैं। वैसे मैंने नाम सुना है इसका, टिंडोरा भी बोलते हैं इसको। आप ज़रूर बताइएगा आप क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से, मतलब जो कुंदरू है अच्छे से फ्राई, शैलो फ्राई हो गए। आप देख रहे हैं इसके ऊपर हल्का सा क्रस्ट आ गया है, क्रंच आ गया है। इसे अब मैं निकाल लूँगी और ये एक मैं साइड रख दूँगी। इसके साथ ही इसी ऑयल में मैं यहाँ पे इसे छौंक लूँगी, इसका छौंक तैयार कर लूँगी। उसके लिए यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके साथ डालूँगी पिंच ऑफ हींग। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इसमें से कम कर सकते हैं, पर थोड़े से ऑयल में ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और इसके साथ यहाँ पे डाला है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, और जाएगा इसके साथ अनियंस। ये जो पूरी रेसिपी है, ये रेसिपी मेरे जो सब्जी वाले भैया उन्होंने सजेस्ट की थी और उन्होंने ही इसकी रेसिपी बताई थी। तो आज मैं कह सकती हूँ ये जो सब्जी है ये मेरे सब्जी वाले भैया के घर के स्वाद वाली सब्जी है। तो उन्होंने ही मुझे इसकी रेसिपी भी बताई थी। बोलते हैं दीदी इस टाइप से बनाइएगा, बहुत ही स्वाद लगती है, हमारे घर में तो ऐसे ही बनती है। इसके साथ मैं इसमें ऐड करी थोड़ी सी और ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज से ही इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही फ्लेवर इसका एनहेंस हो जाता है। और बाकी जो ग्रीन चिलीज है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ऐड कीजिए। लेकिन हाँ, मैंने जब बनाई और इसे खाया तो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि ग्रीन चिली के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। इसके साथ डालूंगी अब मैं कुछ मसाले। मसालों में डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, घर का ही पिसा धनिया पाउडर है। और इसके साथ डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम कुंदरू को फ्राई कर रहे थे हमने उसमें भी सॉल्ट ऐड किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से ही ऐड कीजिएगा। बाकी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इस टाइम थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखिएगा सॉल्ट की। इसके साथ डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर से थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ये कलर के लिए मैंने यहाँ पे देगी मिर्च यूज़ किया। आप चाहें तो जो रेड चिली पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरे मसाले भी फ्राई हो गए, अब मैं इसके अंदर कुंदरू और जो ग्रीन चिली फ्राई करी थी, शैलो फ्राई करी थी, वो ऐड कर दूंगी और बहुत अच्छे से मसाले के साथ इसे कोट कर लूंगी। ये सब्जी सीरियसली इस टाइप से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगी थी बनने के बाद। और रोटी सब्जी और आप चावल किसी के भी साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगी। कवर कर दिया है मैंने 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे खोल लेंगे।
ये देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई, हमने ना तो इसमें कोई वाटर का यूज़ किया है ना कोई एक्स्ट्रा मसाले का यूज़ किया, घर के ही मसालों से हेल्दी सी हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। इसके अंदर थोड़ा सा हम धनिया पत्ती से इसे गार्निश करेंगे, धनिया पत्ती के बगैर इंडियन सब्ज़ी में कोई स्वाद नहीं आता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए वही सेम, इसे डाल लेंगे बाउल में किसी भी, आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसके साथ अगर आप लेना चाहते हैं साइड में तो एक दाल भी ले सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी आपकी ये पूरी एक मील हो जाएगी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी, आप अपने वीक में एक बार तो ज़रूर इंक्लूड किए, अगर नहीं खाई है तो खा के ज़रूर देखिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और ईजी रेसिपीज़ के साथ साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।